हेलो गाइस, माय सेल्फ वैभव, स्वागत है आपका कैंपर में। तो आज का फैक्ट है कि जो ये इंडियन रुपीज़ वाला सिंबल है जो कि हम अपनी डेली लाइफ और एजुकेशन वगैरह में यूज़ करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि जो ये सिंबल है किसने और कब इन्वेंट किया था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अगर नहीं तो मैं तो बताऊँगा ही, डोंट वरी। तो ये सिंबल है, ये सिंबल इन्वेंट हुआ था साल 2010 में। ये इन्वेंट किया था तमिलनाडु के छोटे से गांव के रहने वाले डॉक्टर उदय कुमार धर्मलिंगम ने। ये तब किया था जब ये डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन में डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और इन्होंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था और इनका डिज़ाइन प्रथम श्रेणी में सिलेक्ट किया हुआ था। अब सवाल आता है कि इनका डिज़ाइन ही क्यों सिलेक्ट किया गया। तो इनका डिज़ाइन इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि जो इनका सिंबल है ये पूरे इंडियन कल्चर और डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि जो ये ऊपर की डबल्स लाइन है ये इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो ये लाइन्स है देवनागरी लिपि जो कि अपने इंडिया की भाषा है को लिया गया है जिसका मतलब होता है रुपया। और तो और जो ये बंदा है आज की तारीख में आईआईटी गुवाहाटी में डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन के हेड और एसोसिएट प्रोफेसर है आज के टाइम पे। क्या आपको ये फैक्ट इससे पहले पता था? आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड श्योर टू हिट द लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बटन।